हमेशा चरमरा जाती है, वह चाहे किसी भी राज्य की न हो। यह स्वास्थ्य सेवा भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे से भ्रष्टाचार के स्वाह हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे का कारण भ्रष्टाचार बड़े जोरों शोरों से होता है। आइए देखते ऐसा ही उदाहरण। मोरगांव अर्जुनी ग्रामीण के अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने के बारे में। कितने डिलीवरी के पेशेंट हैं आज के तारीख, आज आपके यहाँ अस्पताल में? आज की तारीख में हाँ दो पेशेंट है जिनका सर्जरी ऑपरेट हुआ है। अच्छा, और कुल संख्या कितनी है? सात लोग हैं। और पांच जो सीजन है वो बीस तारीख को हुए हैं। अच्छा, सात पेशेंट है आपके हॉस्पिटल में एडमिट, महिला और पुरुष में? पुरुष में ये 19 तारीख के एडमिट है। हाँ, एक लड़का है। हाँ, और एक फीमेल पेशेंट है, ये भी 19 तारीख के बेस पर है। अच्छा, और ये कल हुई है 21 तारीख की। अच्छा, वो भी फीमेल पेशेंट। अच्छा, तो तीन पेशेंट है ऐसे जनरल वार्ड वाले जो है वो है जनरल में, और प्रसूति विभाग में आपके यहाँ सात पेशेंट। संजय बड़वाई जी, आपने चार वर्ष से खाना सप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या क्या दिया जाता है मरीजों को? सवेरे चाय और नाश्ता। चाय और नाश्ता, नाश्ते में क्या होता है? कभी पोहा, कभी चना। अच्छा, रोज आपका शेड्यूल बदलते रहता है। और खाने में? खाने में दाल सब्जी रोटी। दाल सब्जी रोटी। अच्छा, और आज कितने पेशेंट को आपने खाना दिया है? दस लोगों को। अच्छा, खाने की गुणवत्ता आप दिखा पाएंगे मुझे? दिखाइए। हाँ, अच्छा, रोटी खत्म हो गई। सब्जी काय की बनाए थे आज आपने? चौलाई सब्जी। और ये चावल है, थोड़ा रोटी ऊपर करके बताएंगे? अच्छा, एक पेशेंट को कितने क्वांटिटी में आप खाना देते हैं? एक पेशेंट को तीन रोटी, एक कटोरी चावल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल। दाल, दाल खत्म हो गई है क्या? हाँ। अच्छा, दाल कौन सी होती है? तुअर दाल देते हैं। कौन से दिन आप एडमिट हुए थे अभी? गुरुवार को हुए हैं। गुरुवार से आपको खाने में क्या चीजें दी जा रही है? खाने में आपको यहाँ सरकारी दवाखाने की ओर से आपको खाना मुहैया कराया जा रहा है ना, तो क्या क्या दिया जा रहा है? सुबह चाय नाश्ता। अच्छा, तो आप लोगों को समाधान है कि नहीं है खाने का? खाना अच्छा होता कि नहीं होता? अच्छा है ना, तो वही गुणवत्ता बनाए रहनी चाहिए कि नहीं? देखा आपने, मरीजों को अस्पताल में चावल दिया जा रहा है, जो कि यहाँ मरीज सीजरियन के ऑपरेशन के मरीज है, क्योंकि मरीज को चावल देना उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। ऐसा ही सिलसिला कई सालों से चल रहा है। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। भोपाल उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से भोपाल समेत पूरे प्रदेश के कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहर शीतलहर की चपेट में है। 19 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। शनिवार को महाराष्ट्र नागपुर में तो 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और कान्हा में 0 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा रहा है। जहां मौसम विभाग ने बताया कि बैतूल, पचमढ़ी, अमरकटक और बांधवगढ़ में रात तापमान 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 1-2 दिन मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।